हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखेंगे वर्कशीट 2। ओके, और इसमें जितने क्वेश्चन हैं सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन को मैं नोट करता हूँ। देखिए क्या है अपना पहला क्वेश्चन। कहा गया है ना, फाइंड द अमाउंट 6% मोर देन ₹120। मीन्स वो हम लोग को अमाउंट फाइंड करना है जो 6% ज़्यादा हो 120 से। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले तो 6% हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ₹120 का, और उसको ऐड कर देना पड़ेगा और हमारा अपना कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे ना रिक्वायर्ड अमाउंट क्या होगा, ₹120 प्लस 6% ऑफ ₹120। ओके, ये हम लोग नोट कर लिए। क्यों? चूँकि यहाँ मोर की बात हो रही है, ज़्यादा, तो 120 में 6% ऐड करेंगे इसी का। तो आइए हम इसको कर लेते हैं ₹120, और देखिए 6 यहाँ परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, और ये अपना ऑफ है, ऑफ के लिए मल्टीपल आएगा और ₹120। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो रहा है अपना, और तो कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये देखिए अपना क्या हो जाएगा, 6 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लिए तो हो गया मेरे पास 72, और यहाँ पे 10 मेरे पास डेनोमेटर में था, रहने दीजिए। तो ये हो गया ₹120। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ क्या हो गया, 7.2। यानी कि अब इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो गया, 127.2। अब यहाँ पे 0 हम पुट कर सकते हैं, ये अपना फाइनल आंसर आ जाता है। ओके, इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को बना लेते हैं। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट। ओके, तो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या हो जाएगा, ₹400। इसमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि लेस बोला गया है ना, तो ₹400 माइनस कितना, 15% ऑफ ₹400। ओके, तो 15%, तो हम 15 को यहाँ पे लिखेंगे और परसेंटेज को हटा लिए, 100 आ गया डेनोमीटर में, और ये 400। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया मेरा, तो ये ₹400 माइनस यहाँ पे देखिए 15% क्या हो गया अपना, 60। तो 60 को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो क्या अपना हो जाता है, ₹340। ओके, ₹340। तो यहाँ हम चाहें तो रुपीज़ लिख सकते हैं, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, 340। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन है अपना, द मंथली सैलरी ऑफ मोहन इज ₹950। इफ़ हिज सैलरी इंक्रीजेज बाय 6%, फाइंड इज न्यू सैलरी। तो मोहन का सैलरी कितना है हम लोग नोट कर लेंगे, ये देखिए 5950। ओके, और कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 6%, तो 6% हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए। न्यू सैलरी हम लोग को निकालना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 950। ओके, और इसमें से ऐड कर लेंगे कितना, तो 6% ऑफ ₹950। चलिए, तो ये देखिए क्या हो गया अपना, 950, और ये प्लस में 6 यहाँ पे डिवाइड किए 100 से और मल्टीप्लाई किए, ओके, 950 से 10 से 10 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 5 हम कैंसिल कर लें, 5 2 10, और ये 19 5 हो गया मेरा 95। तो क्या हो जाएगा, ₹950 प्लस ये देखिए 19 6 क्या होगा अपना, 114, और ये 2 अपना डिवाइड में रह जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा ₹950, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाता है मेरे पास 57। ओके, अब ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए ये हो जाएगा ₹1007। तो दिस इज द न्यू सैलरी। क्वेश्चन है अपना नंबर 3। कहता है यार, डीलर बायर्स एन ओल्ड कार फॉर ₹80,000। 80,000 में एक पुराना कार खरीदता है। ओके, ही रिपेयर्स इट, इसको रिपेयर करता है, और इसके बाद सेल्स इट एट एन इंक्रीज ऑफ 10%, 10% बढ़ा के बेच देता है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार? तो पहले हम लोग नोट करेंगे कार का क्या है कॉस्ट प्राइस। ओके, 80,000। अब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 80,000 तो इसका कॉस्ट था, प्लस इसमें 10% बढ़ा के बेचा है, तो हम लोग लिखेंगे 10% ऑफ 80,000। ओके, इसमें ऐड कर देंगे, ये ध्यान रखना ऐड करना हमको। तो आइए ऐड करने पर क्या मिलेगा, तो 80,000 प्लस इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या अपना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट,
ये हो गया अपना 80,000 प्लस ये 8,000, यहाँ पे 8,000 आ गया। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो रुपीज़ 88,000। ओके दिस इज द फाइनल आंसर, ये हो गया सेलिंग प्राइस किसका, तो कार का। ओके फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या, देखिए द मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क इन योर फैमिली इज 120 लीटर्स। ओके इफ ड्यू टू फेस्टिवल द कंजप्शन ऑफ मिल्क इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क। मीन्स मंथली कंजप्शन कितना है 120 लीटर का, लेकिन फेस्टिवल के कारण 20% बढ़ गया कंजप्शन। तो हम लोग क्या नोट कर लेंगे, मंथली कंजप्शन कितना है 120 लीटर्स का। ओके इसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज कितना कर गया 20% का। तो प्रेजेंट कंजप्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, 120 प्लस 20% ऑफ 120। ओके तो 120 प्लस परसेंटेज को हम यहाँ पे हटा लिए हैं और यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिए, 10 टू 10 और सेकेंड जीरो से सेकेंड जीरो कैंसिल हो गया। तो 120 प्लस ये देखिए 12 टू जा क्या हो गया अपना 24। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाता है मेरे पास 144 लीटर्स, ये हो गया प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ मिल्क। ओके लास्ट क्वेश्चन है अपना, उसके बाद हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ योर साड़ी वॉज ₹500, इतना साड़ी का कॉस्ट है। इफ़ द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ ₹20% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन द साड़ी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ साड़ी आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद क्या कॉस्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग नोट करेंगे कॉस्ट ऑफ साड़ी, ये ₹500। ओके डिस्काउंट कितना किया गया है 20%, तो एस पी मतलब हो रहा है सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी। तो ये हो गया 500 माइनस 20% ऑफ 500। ओके तो देखिए ये क्या होगा, 500 माइनस 20, यहाँ पे हम लोग 100 से डिवाइड किए हैं, ऑफ के लिए इनटू दे दिए हैं और ये 500, अब यहाँ पे 00 कैंसिल हो गया। तो आप देखिए 500 माइनस ये क्या हो गया, 5 यहाँ पे बच गया 20 मीन्स 100, तो ये हो गया मेरे पास ₹400, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ गया साड़ी का 400। ओके सो इस तरह से हम लोगों ने वर्कशीट यहाँ पे टू कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट। और हाँ अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।